हाय फ्रेंड्स, दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि ये जो फेसबुक आप यूज करते हैं, इतने अच्छे अच्छे फीचर्स फेसबुक के यूज करते हैं, वो फ्री में कैसे है? इसके लिए फेसबुक एक रुपये भी नहीं लेती, और फेसबुक जैसी इतनी बड़ी कंपनी बिना पैसे लिए कैसे चलती है और इतने फायदे में भी कैसे रहती है? आखिर वो जो यूजर्स है उससे बिना पैसे लिए कैसे सस्टेन करती है? आखिर फेसबुक का बिजनेस मॉडल क्या है? तो आज मैं इस वीडियो में फेसबुक के उसी बिजनेस मॉडल के बारे में बात करूंगा। आखिर फेसबुक अपनी कमाई करती कैसी है? तो बात की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको हिट करना ना भूलें, क्योंकि हिट करने से होगा ये कि जैसे ही मैं आगे इस तरह के वीडियो टेक से रिलेटेड या इस तरह के वीडियो में अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं फेसबुक के बिजनेस मॉडल के बारे में। तो फेसबुक की मंशा ये होती है, हमेशा फेसबुक ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में जितने ज़्यादा लोग हो सके फेसबुक पे अपना अकाउंट बना ले और फेसबुक पे एक्टिव हो जाए। उनके पीछे ये मंशा होती है कि जितने ज़्यादा लोग उनसे जुड़ेंगे तो उन सब के जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का डेटा फेसबुक के पास अवेलेबल रहेगा। अब फेसबुक क्या करती है? अब जैसा फेसबुक पे अकाउंट बनाया आपने, ठीक है, और फेसबुक पे अकाउंट बना के आप उस पर एक्टिव हो गए, सारे दोस्तों के साथ आप अपने सारे गतिविधियों को शेयर किया, अपने फ़ोटोज को शेयर किया, अपने जो भी दिनचर्या है उसको शेयर किया, कहीं घूमने गए वो शेयर किया, रेस्टोरेंट गए वो शेयर किया, मूवी गए वो शेयर किया। तो ये सारे डेटा जो है आपके जो एक्टिविटी को फेसबुक ट्रैक करता है और उसको रिकॉर्ड करके रखता है अपने डेटाबेस में, आपसे रिलेटेड डेटाबेस तैयार होता रहता है। और जैसे आप कोई सामान सर्च कर रहे हैं वेबसाइट पे, तो वो भी फेसबुक रिकॉर्ड कर लेता है कि आप कौन सा सामान अपने लिए ख़रीदने के लिए यूज करते हैं। तो ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं इसको माइन्यूटली और प्रिसाइजली फेसबुक ट्रैक करता है हर लोगों का, और उस ट्रैक वो जो डेटा है उसके हिसाब से वो एडवर्टाइजमेंट आपके समक्ष प्रस्तुत करता है और अपने यूजर्स के सामने प्रस्तुत करता है। एडवर्टाइज़र को ये एक फेसबुक एक प्लेटफॉर्म देता है कि वो फेसबुक के जरिए अपना एडवर्टाइज करे और वो अपने पोटेंशियल बायर के सामने पहुँचे। तो फेसबुक करता क्या है इसके पीछे? तो जैसे मान लीजिए कोई नॉर्मल एडवर्टाइज़र है, वो अपना ऐड करता है मान लीजिए टीवी पे या न्यूज़पेपर पे, तो न्यूज़पेपर को भी पढ़ने वाले लाखों हैं और टीवी को भी देखने वाले लाखों हैं, लेकिन इसमें से ख़रीदार कितने हैं ये किसी को पता नहीं। सारे जो भी लोग देख रहे हैं वो तो उसमें पोटेंशियल बायर हो नहीं सकते जो भी एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, तो ज़्यादातर इसमें लॉसेस ही होते हैं। जो भी कुछ लोग ही इसके जो पोटेंशियल बायर होंगे वही उनके पास ऐड पहुंचता होगा। लेकिन फेसबुक में चूंकि आपके सारे एक्टिविटीज़ ट्रैक हो रहे हैं, आपको क्या पसंद है क्या नापसंद है, कैसे आप चीज़ों को सर्च करते हैं, जैसे आपने वेबसाइट पे किसी चीज़ को सर्च किया, किसी वेबसाइट पे कोई सामान खरीदने के लिए चाहे कोई सर्च किया, तो वो भी फेसबुक ट्रैक कर लेता है। क्यों कर लेता है? आपने अपने मोबाइल पे ऐप इंस्टॉल किया होगा या फेसबुक भी इंस्टॉल करते हैं, तो जब इंस्टॉल करने से पहले बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन पढ़ने होते हैं, और उस टर्म एंड कंडीशन को पढ़ने के बाद ओके करना होता है वेबसाइट के अंदर। और जैसे मोबाइल में अगर हम लोग इंस्टॉल करते हैं कोई भी ऐप को, तो उसमें पहले ऐप को इंस्टॉल करने से पहले सारे जो आपके मोबाइल में फीचर्स है उसको एक्सेस करने की अनुमति जो ऐप वाले हैं वो मांगते हैं, मतलब फेसबुक मांगता है, जैसे कि आपके मोबाइल का जो फ़ोन नंबर है फ़ोन बुक में वो एक्सेस करने के लिए वो मांगता है, आपके फ़ोटो एल्बम में जो फ़ोटो है उसको एक्सेस करने के लिए मांगता है, फिर तो आपके वाईफाई से रिलेटेड या वाईफाई से जुड़े जो भी फ़ोन है या डिवाइसेस है उसको एक्सेस करने की अनुमति मांगता है, आप जो भी ब्राउज़र्स यूज करते हैं उसको एक्सेस करने की अनुमति मांगता है, और आपका लोकेशन जो मोबाइल का लोकेशन है उसको भी एक्सेस करने की अनुमति मांगता है। तो इस तरह वो आपके हर चीज़ को ट्रैक कर रहा होता है। अब मान लीजिए जैसे आप किसी मॉल में गए या किसी गाड़ी के शोरूम में गए, आपने कार देखा, इवन आपने विंडो शॉपिंग ही किया, मतलब देख के ख़रीदा नहीं बस चले आए, और अपना डाटा डिटेल भी शोरूम वाले को नहीं बताया, फिर भी आप अगले दिन आके अपने जब मोबाइल या कंप्यूटर खोल के देख रहे हैं तो आपके फेसबुक पे वाल पे उसी से रिलेटेड ऐड आ रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आपने ऐप को इंस्टॉल करते समय आपने उसको एक्सेस दे दिया था आपकी लोकेशन ट्रैक करने के लिए, तो आप जहाँ भी जा रहे हैं तो आपका लोकेशन भी ट्रैक हो रहा है। अब वेबसाइट पे आपने किसी सामान को सर्च किया,
वो सामान को सर्च करने से वो भी रिकॉर्ड फेसबुक वालों के पास चला गया, और उसी हिसाब से जो चीज़ आपने आप खोज रहे थे वेबसाइट के अंदर, उसी खोज के हिसाब से वो आपके सामने वो एडवर्टाइजमेंट पहुंचा देते हैं फेसबुक वाले। तो ये इस तरह वो प्रिसाइजली और डेडिकेटेड एडवर्टाइजमेंट का उनका एक तरीका है और बहुत अच्छा मॉडल है, और ये उस पर बहुत अच्छा काम करते हैं, जिससे एडवर्टाइजर को भी फ़ायदा होता है और हम जैसे यूजर्स को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि एडवर्टाइजर को जो एडवर्टाइज है वो पोटेंशियल बायर तक पहुँचता है, मतलब जिसको ज़रूरत है वहीं वो पहुँचा पाता है वो अपने ऐड को। और जैसे हम लोग को जो चीज़ ख़रीदना होता है, जो चीज़ हमको मतलब उसी टाइप के हमारे वॉल पे आ रहे होते हैं, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। लेकिन मामला कब खराब हो जाता है, मामला कब फंस जाता है, जब हमारे जो ये डेटा है इम्पोर्टेंट डेटा, ये किसी थर्ड पार्टी के द्वारा चोरी कर लिए जाते हैं या एक्सेस कर लिए जाते हैं, और उसका गलत तरीकों से इस्तेमाल होता है, गलत मंशा से इस्तेमाल होता है। तो फेसबुक पे अगर हम लोगों का अकाउंट है और अगर सही तरीके से पॉजिटिव वे में यूज किया जाए तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो हमें चीज़ चाहिए वही हमारे पास ऐड आ रहा है और जो एडवर्टाइज़र है उसको भी फायदा है। लेकिन अगर इसका गलत यूज हो जाए तो ये बहुत बड़ी बहुत दुखद बात होगी, बहुत मतलब खतरे की घंटी होगी अगर इसका गलत यूज हो जाए तो, क्योंकि वो हमारे सारे डेटा कोई एक्सेस करके वो अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट करके यूज कर सकता है, तो ये खतरनाक चीज़ हो सकती है। तो यही है फेसबुक का बिजनेस मॉडल, ये फेसबुक इसी तरह से सारे लोगों को डेटा को ट्रैक करके उसके डेटाबेस बना के उसको जो यूजर्स है उसके हिसाब से उसके पास डेडिकेटेड उसके लिए एडवर्टाइजमेंट पहुंचाता है, पोटेंशियल बायर के पास एडवर्टाइजमेंट पहुंचाता है। तो एडवर्टाइजर और यूजर दोनों के लिए फ़ायदा है, और इसमें फेसबुक बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाता है, और हम लोग सोचते रह जाते हैं कि फेसबुक फ्री में सारा चीज़ हमको दे रहा होता है, तो ऐसा नहीं है। तो दोस्तों ये रहा मेरे हिसाब से फेसबुक का बिजनेस मॉडल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, और अगर मन में कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों के साथ वीडियो तो ज़रूर शेयर करें, और जाने से पहले एक बार फिर मैं बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा दें, ताकि आगे आने वाले दिनों में मेरे द्वारा अपलोडेड वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।